अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस ऑनलाइन एकेडमी। माशाल्लाह से आज हमारा वर्कशॉप का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम फिफ्थ आयत लिखेंगे। हम कुफ़ी स्टाइल में आयत लिख रहे हैं वर्कशॉप में अपनी। तो आज हमारी फिफ्थ आयत है जो है फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, तो हम ये वाली आयत को लिखते हैं, हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पूरी कार्ड शीट के ऊपर आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जब हम चौड़ाई में लाइन ड्रॉ करते हैं तो तकरीबन ये 54 बॉक्सेस बनते हैं, और जब हम लंबाई में ड्रॉ करते हैं तो ये 40 to 42 बॉक्सेस बनते हैं, या तो 40 बनते हैं या 42 बनते हैं। ठीक है, तो ये इतना मैंने कहा था, आप लोग वर्किंग कर लीजिएगा। आप लोगों ने वर्किंग कर ली होगी। अब जो हमने आयत लिखनी है ना, वो आज हमने जो लिखनी है हमने सेंटर में लिखनी है, स्क्वायर शेप में। ठीक है, आज जो हमने आयत लिखनी है वो सेंटर में लिखनी है, और ये जो साइड से थोड़ा ऊपर से और नीचे से कार्ड शीट बचेगी ना, तो इसमें आप लोग चाहे तो बॉर्डर बना लीजिएगा, नहीं चाहे तो मैं बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा इसी तरह। ठीक है, तो हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, ऊपर से हम लोग कितने बॉक्सेस छोड़ रहे हैं देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्स नंबर 16 के यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर से 16 बॉक्सेस, और यहाँ से 11 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ से हम वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तकरीबन ऊपर 5 बॉक्सेस की। ठीक है, ये हो गई है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन को आगे की तरफ लेकर जाएं 3 बॉक्सेस। ठीक है, यू अब इसी लाइन को नीचे की तरफ लेकर आएं 3 बॉक्सेस ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी लाइन को 2 बॉक्सेस अंदर की तरफ लेकर आएं ऐसे। ठीक है, फिर इस लाइन को 1 बॉक्स नीचे की तरफ लेकर आए, जहां से वर्किंग एंड हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इस लाइन को तकरीबन 3 बॉक्सेस आगे की तरफ ले जाए। ठीक है, अब यहाँ ये जो लाइन 3 बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर गए, इसको आप ऐसे 3 बॉक्सेस ऊपर की तरफ ले जाएं, चाहे तो 4 बॉक्सेस ही ले जाए, 4 बॉक्सेस ऊपर की तरफ ले जाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बॉक्स की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और इस लाइन को ऐसे 4 बॉक्सेस स्ट्रेट ही नीचे की तरफ है। सही, ये जो 4 बॉक्सेस लाइन नीचे की तरफ स्ट्रेट आई है, इसको 2 बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएं, और यहां से इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तकरीबन आप लोग लेकर जाएं, मैं बताती हूँ 13 बॉक्सेस ऊपर की तरफ लेना, या 12 बॉक्सेस ले जाए, 12 बॉक्सेस ऊपर की तरफ भेजा। ठीक है, ऐसे ये कर लिया हमने। सही, यहाँ से ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस ऊपर की तरफ गई है, सॉरी यहाँ से ये लाइन 9 बॉक्सेस ऊपर की तरफ गई है। 10 कर लिया इसको पूरा, मैं उसको सुनी थी 13 बॉक्सेस हो रहे हैं, इसको 10 कर लिया पूरा। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें 1 बॉक्स की। ठीक है, और इस लाइन को तकरीबन नीचे की तरफ 11 बॉक्सेस ले आए ऐसे। सही, अब इन दो लाइनों को आपस में बिल्कुल स्ट्रेट मिला लें ऐसे। ठीक है, यहां से मेरी लाइन टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये हो गया, गैप बनाए यहां पे फाका सेंटर में, स्क्वायर शेप में गैप बनेगा, जो बीच में सेंटर में एक बॉक्स खाली आया ना, इसका गैप बनाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाका नुक्ता लगाएंगे और बाका नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर बिल्कुल इसी के ऊपर यहाँ पे फाका नुक्ता ऐसे 1 बॉक्स का पूरा स्क्वायर में फाका नुक्ता बनाए। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ इन दो बॉक्सेस के सेंटर में बनेगा नुक्ता बाका, देखें ऐसे, यहाँ से ऐसे 1 बॉक्स का गैप देंगे यहाँ से, और फिर नुक्ता बनाएंगे बाद, देखें ये बन गया। ठीक है, आगे की वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लें वर्किंग, 1 बॉक्स का गैप देके ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ना 4 बॉक्सेस लें, बस ज्यादा ना, 4 बॉक्सेस लें, और फिर यहाँ पे 1 बॉक्स की आगे की तरफ लाइन लेकर जाए, इसी की बिल्कुल सीध में 1 बॉक्स का गैप देखे, 4 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर इसको 1 बॉक्स आगे की तरफ लेके गए, अब इस लाइन को स्ट्रेट 3 बॉक्स नीचे की तरफ लेकर आए। ठीक है,
यहाँ से इस लाइन को मजीद टू बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाए, ठीक है इतना। फिर इस लाइन को बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट ले जाए, जैसे अलिफ के लिए लेके गए थे ना, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाए ऊपर ऐसे, ठीक है। इसी के बराबर में यहां से ही लाइन ड्रॉ करें, लेकिन वन बॉक्स नीचे नीचे छोड़ दीजिएगा लाइन को, यूं ये 10 बॉक्स की थी तो ये 9 बॉक्स की है, ठीक है। फिर इसी के बराबर में लाइन ड्रॉ करें, यहीं से इसी की सीध में ये बॉक्स छोड़ दें, और यहीं इस पे पहले आप ऐसा करें, यू 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ऊपर वाली लाइन में 3 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है ये कर लें। अब इस लाइन को नीचे की तरफ लेकर आए, ये वाली लाइन को जहां 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना, इसको यहाँ नीचे तक लेकर आए, ड्रॉ यहां से करना शुरू की थी वाली लाइन, लेकिन बराबर लाइन से नीचे एक बॉक्स आएगी, और ये वाली जो लाइन है ना, जो हमने 3 बॉक्सेस के आगे स्ट्रेट ड्रॉ की है, ये इसके ऊपर एक बॉक्स आए एस, देखें इस तरह कहिए, ये वाली लाइन ड्रॉ करें तकरीबन 5 बॉक्सेस की, और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला एस, ठीक है। यहां से ये वाली जो लाइन 1 बॉक्स ऊपर आई है, इसको आप तकरीबन ड्रॉ करें 4 बॉक्सेस, और इसको ड्रॉ करें 5 बॉक्सेस, और इसको मिला, ये बन गया हमारा या। अब हम या के नुक्ते बनाते हैं, इसी तरह आप या के नुक्ते बना लें, हल्का सा बीच में गैप दीजिएगा ताकि नुक्ता जो है ना हमारा अलग अलग लगे, ठीक है। और ऐसे या के 2 नुक्ते बनेंगे, ठीक है। इतनी वर्किंग हो गई, इतना हमने लिख लिया। अब आप अगर आप चाहें तो इसको यूं टर्न भी कर सकते हैं ऐसे, या को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने बता दिया है कि हम ऐसे भी या को कर सकते हैं, ठीक है। इतनी वर्किंग हो गई, अब कार्डशीट को मैं आगे की तरफ कर लेती हूँ ऐसे, सही। 1 बॉक्स का गैप देंगे और यहाँ पे अलिफ बना लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, 1 बॉक्स का गैप देंगे और 10 लाइंस का अलिफ बना लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। 1 बॉक्स का गैप दिया, 10 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके बराबर लाइन भी 10 बॉक्स की ड्रॉ की, नीचे से भी दोनों लाइंस को मिला दिया, ऊपर से भी दोनों लाइंस को आपस में मिला दिया, ठीक है ये हो गया। इससे बराबर में 1 बॉक्स का गैप देंगे और यहां से 3 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 बॉक्स का गैप देके 3 बॉक्सेस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को नीचे से भी 3 बॉक्सेस की स्ट्रेट ड्रॉ की, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 बॉक्सेस ऊपर स्ट्रेट लेके जाएंगे, सही है। अब ये वाली लाइन को भी, ये वाली लाइन को 1 बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाए, और ये वाली लाइन को 1 बॉक्स अंदर की तरफ लेकर आए, ठीक है ये कर लिया। अब इन दोनों लाइंस को 1 बॉक्स ऊपर की तरफ लेकर जाए, ये कर लिया इतना। फिर इन दोनों इस लाइन को 1 बॉक्स बाहर की तरफ लेकर जाए, इस लाइन को 1 बॉक्स बाहर की तरफ लेकर जाए ऐसे। इस लाइन को अब यहाँ अलिफ के ऊपर तक ले जाए, जहां तक अलिफ है वहां तक ड्रॉ करें, इस लाइन को भी जहां तक अलिफ है वहां तक ड्रॉ करें, ठीक है ये कर लिया। फिर अब यहां से 1 बॉक्स आगे की तरफ, ये वाली लाइन को 1 बॉक्स आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, और ये अंदर की तरफ 1 बॉक्स अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। इसको नीचे तक लेकर आए यहाँ ऐसे, इसको भी यहां तक नीचे तक लेकर आए, और इन दोनों लाइन को आपस में मिला दें ऐसे, ठीक है ये कर लिया। यहाँ जो सेंटर में ये जो खाली है ना, इसको मिलाएंगे, लाम अलिफ बन गया ला, ये जो हमने बनाया ना, ये लाम और अलिफ बनाया, ठीक है। हमारे पास लाम अलिफ होता है ना इस तरह का, कहाँ बनाऊ, यहाँ बना के दिखाऊ, हमारे पास जो लाम अलिफ होता है ना वो इस तरह का होता है ना, इस तरह वाला जो होता है ये, वो बनाए, ठीक है ये हो गया। फिर अब हम हमजा बना लेते हैं, यहाँ पे इसी की बिल्कुल सीध में 1 बॉक्स का गैप देंगे, 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, 1 बॉक्स का यहाँ पे गैप दें, और ऊपर एक 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह, ठीक है। इस लाइन को पहले ये इसको कर लेते हैं, ये वाली लाइन को यहाँ से 1 बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाए, और ये वाली लाइन को यहाँ से 1 बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाए, बीच में गैप दिया 1 बॉक्स का, यहाँ 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर बीच में 1 बॉक्स का गैप देके 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को यहाँ नीचे से 1 बॉक्स आगे की तरफ लेके गए, इस लाइन को यहाँ ऊपर से 1 बॉक्स आगे की तरफ लेके गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं ऐसे, ये मिला दिया, यहाँ से 2 बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाए यहाँ से, और यहाँ 2 बॉक्सेस नीचे की तरफ लेकर आए ऐसे, ठीक है। इस लाइन को तकरीबन आप ले जाए ऐसे आगे की तरफ, और इसको ले जाए ऐसे आगे की तरफ,
और इसको मिला दें दोनों लाइन से। इस लाइन को तकरीबन हम 3 बॉक्स धागे की तरफ लेके गए, इस लाइन को 5 बॉक्स धागे की तरफ लेके गए, दोनों को मिलाया, ये हमारा हमजा बन गया। ठीक है, कितनी वर्किंग कर ली। अब जो वर्किंग करेंगे वो नीचे से करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो हम वर्किंग करेंगे ना, अब आप लोग देखें मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो हमने वर्किंग कर ली है ना, वो हमने यहाँ से 6 बॉक्सेस का गैप देना है। इन टू लाइंस को छोड़ देंगे, जहां पे हमने नुक्ते बनाए उससे नीचे 2 लाइन का बिल्कुल गैप दे देंगे। ठीक है, 2 लाइंस का गैप दे देंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस का गैप देके बॉक्स नंबर 7 से वर्किंग को शुरू करेंगे। ठीक है, 6 बॉक्स का गैप देके बॉक्स नंबर 7 से वर्किंग को हम शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ से शुरू आप एक डॉट लगा लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स छोड़े, बॉक्स नंबर 7 से वर्किंग शुरू करेंगे नुक्तों के 2 नीचे लाइनों को छोड़ के। ठीक है, ये देखें नुक्तों के 2 नीचे लाइनों को छोड़ा और ये देखें यहाँ ये बॉक्स नंबर 7 से हमने वर्किंग शुरू करनी है। अब आप इससे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब आप इससे नीचे की तरफ तकरीबन आएंगी, ये वाले बॉक्स से हमने वर्किंग शुरू करनी है। हम इससे नीचे जाएंगे, 1 इस बॉक्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में पहले देख लो कि हमें नुक्ता भी लगाना है ना, नुक्ता लगाएंगे गैप आएगा और हमारा दाल बनेगा। यहां से वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नुक्ता लगेगा गैप आएगा, सही है, यहाँ से वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। जिस लाइन हमने 6 बॉक्सेस यहाँ से छोड़े, फिर हमने 7 बॉक्स पे एक निशान लगा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ से वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12 से ड्रॉ करें एक 3 तकरीबन हम 5 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, इस लाइन को 1 बॉक्स आगे की तरफ ले जाएं। ठीक है, फिर इस लाइन को 4 बॉक्सेस नीचे की तरफ लेकर आएं, यहां से 2 बॉक्सेस आगे की तरफ ले जाएं, यहां से 2 बॉक्सेस आगे की तरफ ले, यहां से 3 बॉक्सेस आगे की तरफ ले और दोनों को मिला दें। ठीक है, यहां से 1 बॉक्स और ऊपर ले लेते ऐसे। ठीक है, ये हमारा रॉ बन गया, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम बा बनाते हैं। बा जो है ना, हम इसी से आगे की तरफ बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं बा, यहाँ से आप ले, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे फिर नुकता इसका यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से बनाएं, 4 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, 1 बॉक्स का गैप दे दें, 4 बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करें। ठीक है, फिर इस लाइन को 1 बॉक्स आगे की तरफ ले जाएं, इस लाइन को तकरीबन आप 3 बॉक्सेस पर नीचे की तरफ ले, सही। फिर इस लाइन को आप लेकर जाएं, नीचे वाली लाइन को आप लेकर जाएं इतना आगे, और इस वाली लाइन को आप 2 बॉक्सेस आगे लेके जाएं। ये तो 3 बॉक्सेस नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 2 बॉक्सेस आप आगे लेके जाएं। ठीक है, और फिर इसको आप इस तरह ऐसे 2 बॉक्सेस ऊपर ले जाए, इतनी वर्किंग कर ली। फिर इस लाइन को जो 2 बॉक्स ऊपर लेकर गए, इसको आप तकरीबन 5 बॉक्सेस आगे की तरफ ले जाए, इसके बराबर में एक 1 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यहाँ, और इस लाइन को तकरीबन आप तो यहाँ से ले जाए 5 बॉक्सेस आगे, 5 बॉक्सेस इस लाइन को आगे लेके गए, यहाँ पे 1.5 बॉक्स की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे लगा लें एक डॉट, जहां पे ये वाली 2 बॉक्सेस की स्ट्रेट लाइन है इसी के ऊपर यहाँ लगा लें डॉट, जिस लाइन से हमने वर्किंग करनी थी यहाँ से। ठीक है, इस डॉट को यहाँ तक मिलाएं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, सही, और फिर इससे आगे 1.5 बॉक्स की स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ ड्रॉ करें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला, ये जो तिरछी लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला। ठीक है, ये कर लिया, सही। अब ये वाली लाइन को आगे की तरफ लेकर जाएं ऐसे, ये वाली लाइन को भी आगे की तरफ लेकर जाए ऐसे। ठीक है, नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट साथ साथ आगे की तरफ चलेगी। 2 बॉक्सेस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फिर इससे आगे 3 बॉक्सेस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फिर इससे नीचे 2 बॉक्सेस की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सही। यहाँ आप सेंटर में मीन का गैप बनाए, बिल्कुल स्ट्रेट एक बॉक्स बना लें और सेंटर में मीन का गैप बनेगा। ठीक है, ये देखें इस तरह, इस लाइन को आगे की तरफ लेकर जाएं इतना, ये मीन वाली जो हमने 2 बॉक्स नीचे लाइन ड्रॉ की थी, तो 1 बॉक्स आगे लेके जाएं और इस स्टाफ के ही जितना ऊपर तक ले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, नीचे वाली लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक ले जाएं और इन दोनों को आपस में मिला दें ऐसे।
ठीक है, ये हो गया बाका नुक्ता लगा लें, बाका नुक्ता यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लेते हैं बाका नुक्ता, तो नीचे ही लगा लेते हैं बाका नुक्ता, फिर बहुत नीचे हो जाएगा वैसे, सही देखते हैं अगर सही लगेगा तो ठीक है, वरना हम इरेज कर लेंगे, ठीक है पूरी वर्किंग के बाद देखेंगे, अगर सही लग रहा होगा तो ठीक है वरना इरेज कर लेंगे, वैसे बाका नुक्ता बहुत नीचे हो रहा है, ये अभी सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे बना लें बाका नुक्ता, ड्रॉ के बाद एक लाइन का गैप दें और यहाँ पे बाका नुक्ता ड्रॉ कर, इतना कर लिया। अब इस स्कॉच शीट को आगे की तरफ ले देते हैं, बस अब हमारी थोड़ी सी वर्किंग रह गई है, सही है। अब क्या करेंगे, मीन के बाद एक लाइन का गैप देंगे और यहाँ से तकरीबन हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो फोर बॉक्सेस की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर इस फोर बॉक्सेस की लाइन को वन बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाएंगे ऊपर से, फिर थ्री बॉक्सेस नीचे की तरफ लेकर आएंगे इस लाइन को, ठीक है, फिर इसको तकरीबन हम टू बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, नीचे वाली लाइन साथ साथ आप आगे की तरफ करते रहें, ठीक है, फिर काफ बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही, टू बॉक्स ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को तकरीबन फोर बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पे वन बॉक्स की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको तकरीबन हम यहाँ से भी फोर बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, और इस लाइन को जो हम फोर बॉक्सेस आगे लाए इसको हम वन एंड हाफ बॉक्स ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगाने इसी की बिल्कुल सीध में, यहाँ ऊपर एक डॉट लगाने, इस लाइन को यहाँ मिलाए ऐसे, ठीक है, वन एंड हाफ बॉक्स की यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करें और इन दोनों लाइन को आपस में मिला लें ऐसे, सही, ये बन गया। अब इन दोनों लाइन को स्ट्रेट लेकर जाएं यहाँ आगे की तरफ, अब जो है ना यहाँ पे वन बॉक्स का गैप आएगा, अब यहाँ पे हम दाल बना लेते हैं, यहाँ पे दाल बनाएंगे ऐसे, यहाँ से टू बॉक्सेस ऊपर की तरफ ले जाएं और यहाँ से नीचे टू बॉक्सेस ले जाएं, ठीक है, फिर इसे आगे की तरफ लेकर जाएं थ्री बॉक्सेस और इसे भी आगे की तरफ लेकर जाएं थ्री बॉक्सेस, ठीक है, फिर यहाँ से थ्री बॉक्सेस जहां से लेके गए वहां से दोनों तरफ से टू टू बॉक्सेस ऊपर ले जाएं, यूं और फिर, अच्छा पता है क्या, मैं ऊपर से वन वन बॉक्सेस, ये जो है ना वन वन बॉक्सेस लेने ऐसे बनेगा, मैं जो है ना वो मॉडर्न का बनवाने की लाइन में बता दू, मैम हम तो सारी वर्किंग वो कर रहे हैं ना स्क्वायर की, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बन गया। और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे बाल एक बा बनाएंगे, तो इसी की सीध में यहाँ से तकरीबन वही फोर बॉक्सेस ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को वन बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इस लाइन को थ्री बॉक्स नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसको टू बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, नीचे वाली लाइन को थ्री बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फोर बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पे पहले से ये वन बॉक्सेस ले लेते क्योंकि अब तो बा है ना, वन बॉक्स आगे की तरफ यहाँ से लेके जाएंगे और इसको ऊपर काफ से बिल्कुल सीट तक ले जाएंगे, ऊपर यहाँ से भी बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे और दोनों को आपस में यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे बाका नुक्ता बनाने नीचे ऐसे, ठीक है, ये बन गया बाका नुक्ता। अब जो आगे की वर्किंग है, यहाँ पे अब हम नून बनाएंगे बिल्कुल इसी की सीधे वन बॉक्स का गैप दें और तकरीबन यहाँ से जो लाइन ऊपर जाएगी ना वो हमारी जाएगी वन टू थ्री फाइव बॉक्स ऊपर, फाइव बॉक्स ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को वन बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इस लाइन को हम तकरीबन फोर बॉक्सेस नीचे की तरफ लेकर आएंगे, फिर इस लाइन को जो हम फोर बॉक्सेस नीचे की तरफ लाए इसको हम थ्री बॉक्सेस आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इस लाइन को फोर बॉक्सेस ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, मुझे हंसी आने लग चुकी है कि हाँ फोर बॉक्स वन बॉक्स थ्री बॉक्स, फिर इस लाइन को वन बॉक्स आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इस लाइन को फाइव बॉक्सेस नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे इस तरह, ठीक है, ये मिला दिया, सेंटर में नून का नुक्ता बना लें ऐसे, ऐसे नून का नुक्ता बना लिया और यहां से ऊपर से वन वन बॉक्स को इरेज कर दें, रिजल्ट हो गया, वन वन बॉक्स को इरेज कर लें और बन गए ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब पता है ये सब तो लिख लिया, मुझे ना दाल सही नहीं, मैं एक मिनट ना दाल जो है ना हम सही कर लेते हैं ताकि भी नुक्ते नहीं लगाए,
तो काटे नुकते यहाँ बना लेते हैं बिल्कुल यहाँ ऊपर ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा गैप दे, हल्का सा बिल्कुल गैप दे दीजिएगा। ठीक है, काटे नुकते ना अलग अलग लगेंगे, हाँ ये अलग अलग है, एक साथ फिर जब कलर करेंगे ना तो फिर वो नुकते अलग से लगेंगे बिल्कुल। सही, ये हमने बना लिया। और दाल को जो है ना हम इस तरह करते हैं, एक मिनट रुको, मैं जो है दाल को थोड़ा सा इसको दाल को स्क्वायर शेप में डिजाइन दे देते हैं। ठीक है, दाल को स्क्वायर शेप में ही डिजाइन दे देते हैं, इसको यहां से इरेज करें। सही, यहां नीचे से भी इरेज करें। वैसे वैसे वाला भी दाल बन सकता है, लेकिन जब हमारी वर्किंग थोड़ी बड़ी है ना तो दाल फिर वैसे मुझे ना सही नहीं लग रहा। यहां से नहीं ऐसे, ठीक है, उसको लेके जाए आगे की तरफ ऐसे, फिर इसको यहाँ से वन बॉक्स नीचे, फिर इसको यहाँ से टू बॉक्सेस आगे, फिर यहाँ से टू बॉक्सेस नीचे कर लें, और इसको यहाँ से आगे लेके जाएंगे। नहीं सॉरी, वन बॉक्स नीचे लेके जाएं, ठीक है, इसको यहाँ से लेके जाएं आगे की तरफ टू बॉक्सेस, और इसको तकरीबन इस बार के नुकते जितना नीचे जाए मतलब थ्री बॉक्सेस स्ट्रेट लेकर आए, फिर इसको वन बॉक्स अंदर की तरफ लेकर जाए, फिर इसको टू बॉक्सेस ऊपर की तरफ लेकर आए, और इसको इससे मिला दें। ठीक है, ये एक ये जो है ना दाल, ये स्क्वायर में ये डिजाइन वाला दाल है। ठीक है, वो जो था वो सिंपल था, अगर आप यूं ही रख दें तो ये देखें ये दाल सिंपल दाल है, ये डिजाइन वाले। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था, और आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, वर्किंग कर लीजिएगा, और फिर सबमिट करवा दीजिएगा मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।